बीपीएसएम के फॉर्म भरने वाली अभ्यर्थी रैंकिंग के आधार पर होने वाले सिलेक्शन से काफी नाराज हैं। कई महिला अभ्यर्थियों ने पूर्णिया डीएम से मिलकर कहा कि मेधा सूची के आधार पर सिलेक्शन होने के बजाय अभ्यर्थियों का एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि वे लोग फॉर्म भरने के बाद से ही पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि पूर्णिया डीएम ने उन लोगों की बातों को सुनने के बाद इस पर विचार करने से भी इनकार कर दिया और पूर्णिया डीएम ने कहा कि चयन मेधा सूची के आधार पर ही होगा। हम लोग बीपीएसएम का फॉर्म भरे थे और उस टाइम कहा गया था कि मतलब ऐसा कोई शो नहीं किया गया था कि मार्क्स के बेसिस पे एग्जाम लिया जाएगा, मेरिट लिस्ट के हिसाब से। हाँ, लेकिन अभी जो सूचना मिली है उससे पता चल रहा है कि जिसका अच्छा रैंक है ऊपर से रैंक वाले को उठाया गया है, तो उस टाइम अगर ये शो कर दिया जाता तो हम लोग फॉर्म नहीं भरते। और हम लोग जब से फॉर्म भरे हैं तब से बहुत होप के साथ तैयारी कर रहे हैं कि हम लोगों का भी उसमें नाम आएगा। हर इंसान यही सोचता है और इसी उम्मीद में तैयारी करता है। वो लिस्ट आया है ना, तो लिस्ट में दिखाया गया है कि ऊपर वाले लिस्ट से स्टूडेंट का सिलेक्शन किया गया है। मेरी डीएम सर से बात हुई है तो उन्होंने बताया कि मतलब क्या ऊपर से हम सिलेक्ट किए हैं और उनका कहना है कि उनको जितना चाहिए था उससे थोड़ा सा ज़्यादा लिया गया है, जो कि एग्ज़ाम के टाइम में छट जाएगा और रिजल्ट भी वहीं आउट हो जाएगा कि कौन स्टूडेंट सिलेक्ट हो गया है कौन नहीं हुआ है। प्रिपरेशन का एग्ज़ाम मतलब फॉर्म भरे हुए थे बट हम लोग का एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है। एग्ज़ाम तो कम से कम लिया जाना चाहिए। अगर हम लोग तो प्रॉपरली पूर्णिया से हैं, हम लोग का एग्ज़ाम लिया जाना चाहिए। हम लोग को ये नहीं बताया गया था कि मेरिट लिस्ट के हिसाब से मतलब लिया जाएगा। बिना एग्ज़ाम का ये सब कुछ हो रहा है। बिना एग्ज़ाम से ही हम लोग को छटा मतलब छांट दिया गया। मतलब बोला जा रहा है कि हम तो अपने हिसाब से मतलब चयन करेंगे ना, आप लोग के हिसाब से तो इस हिसाब से तो 20,000 स्टूडेंट मतलब फॉर्म फिल किया है, तो इसके हिसाब से तो नहीं सबका एग्ज़ाम लिया जाना चाहिए, उनका कहना है। तो आगे आप लोग क्या करेंगे? अपने हिसाब से सारा काम करेंगे ना। आगे आप लोग क्या कीजिएगा? आगे हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, या तो एग्ज़ाम रद्द कर दिया जाए या तो सारा का एग्ज़ाम लिया जाए।